मोहतरम राजा सजाद, डायरेक्टर कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिवीजन डायरेक्टर मुजफ्फराबाद डिवीजन, डिप्टी डायरेक्टर्स मर्दाना और नसवा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स और जितने भी हमारे अटैच डिपार्टमेंट से हमारे ऑफिसर्स शोभा नसवा और मर्दाना से तशरीफ लाने वाले, मैं सबके नाम नहीं ले सकूँगी, डी ओ साहिबा मुतरमा ताहिरा पीरजादा जिनको हमने बतौर ख़ास नज़्म के लिए बुलाया, प्रिंसिपल साहिबात मेरी निज़ामत का स्टाफ, सादसा इकराम और अजीज़ तालबात और मीडिया नुमाइंदगान वो प्रिंट मीडिया से हैं या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हैं जो आज के दिन कवरेज के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये तकरीब, जैसे कि पहले भी बताया गया है कि ये निज़ामते आला नस्वा और कश्मीर पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के कोलैबोरेशन से आज का ये इवेंट जो है वो मुनक़द हुआ। इसका मकसद, इसकी गर्दोबाद जो है वो बताया जा चुका है कि कश्मीर के अंदर जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है उसको बार बार, मतलब यहाँ पर हम इन इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करके हम आवाज़ उठाते हैं, तो आज का इवेंट भी उससे मुतल्लिक है। और G20 जो जिसके बारे में भी राजा सजाद साहब ने बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की है, फिर अली शान साहब मीडिया कोऑर्डिनेटर जो यहाँ पर मौजूद हैं उन्होंने भी बहुत यहाँ पर सैर हासिल गुफ्तगू की है। G20 जो कि यूरोपियन यूनियन और उनके साथ 19 ममालिक का जो एक इंटर गवर्नमेंटल ग्रुप है जिसका मकसद ये है कि ग्लोबल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है और उसके अलावा जो हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस हैं उसको एड्रेस करना है। और इसमें जो ममालिक शामिल हैं अर्जेंटाइन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इंडिया, कनाडा, इंडोनेशिया, इटली, जापान, सऊदी अरेबिया, कोरिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, यूके और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन जो है। तो इस G20 के मकासद के बारे में तो यहाँ पर मैं सिर्फ यहाँ पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया गया है, वक्त की किल्लत का भी हमें एहसास है। तो ये इसके बारे में जितने भी जो हमारी समिट होगी, जिस तरह अभी यहाँ पर बताया गया है कि G20 की नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस होगी, समिट होगी, तो वो जिस मुल्क में भी हो, लेकिन हम कश्मीर के लिए, वहाँ पर कश्मीर का जो इशू है, राय शुमारी का जो एक हमारा हक है वो महफूज है। रिसेंटली जैसे अभी यहाँ पर मैडम DDS ने भी बताया है कि 2019 के अंदर कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी ख़त्म की गई है, आर्टिकल 370 और 35A को लागू करके कश्मीरियों की जो आइडेंटिटी ख़त्म की गई है, हम ना तो कश्मीरी अवाम ने उसको तस्लीम किया है, ना पाकिस्तान ने तस्लीम किया है और ना ही आज़ाद कश्मीर के अवाम ने इसको तस्लीम किया है। G20 की जब भी कोई समिट होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, तो कश्मीरियों का, राय शुमारी का हक जो है वह महफूज है और हम इस पर ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। यहाँ पर टीचर्स तशरीफ़ फरमाएँ, यहाँ पर हमारी जो बच्चियाँ हैं जो जिनको हम ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं, उनको भी ये हम शबूर देना चाहते हैं, ये आगे नहीं देना चाहते हैं कि कश्मीर का जो मसला है वो कभी भी, जब तक मुसलमानों को उनकी आज़ादी नहीं मिलती, उनका रायशुमारी का हक नहीं मिलता, तो हम किसी किस्म के इंडिया की साजिश पे, हम भारतीय किसी किस्म के एजेंडे पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंडिया जो है वो पिछले 70 साल से ज़ायद जो है वो जुल्म बर्बरियत की दास्तान रकम कर चुका है, औरतों की इस्मत दरी हो रही है, ह्यूमन राइट्स के वायलेशन हो रही है, मासूम बच्चों और बूढ़ों पर जुल्म उठाए जा रहे हैं। जब किसी कश्मीरी रहनुमा की डेथ होती है तो उसका जो उसकी डेड बॉडी है वो उसके वरसा के हवाले नहीं की जाती, तो इससे ज़्यादा जुल्म सितम और क्या होगा। और कश्मीर की जो धरती है वो उसमें शोदा की अजानें गूंजी हैं और उसमें हमारे मुजाहिदों की शमशीरें हैं और उसमें हमारी ख़वातीन की, हमारी माओ की, बहनों की आंसुओं से वहाँ पर दास्तान रकम हुई है और शुदा के खून से ये धरती रंगी हुई है। मैं आज के दिन सरहद के उस पार जो ज़ाफ़रान चुनने वाली ख़वातीन हैं,
मैं ये दिन उनको उनके नाम करती हूँ, उनको डेडिकेट करती हूँ। मदर डे हमारे यहाँ तो मई में मदर डे भी गुजरा, लेकिन हमारे यहाँ तो हर दिन जो है वो मदर डे ही होता है। लेकिन मैं उन माओ को, उन बहनों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपके आंसुओं की कीमत जो है वो इसका कोई मोल नहीं, और एक ना एक दिन आपके आंसुओं की कीमत इंशाल्लाह अदा होगी। और इसके साथ ही मैं इंशाल्लाह हम हमारे निसाब में भी, अब कश्मीर का पहले भी शामिल था, मजीद भी इसमें ये शामिल है, मैं असाज़े ग्राम से ये जो प्रिंसिपल यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, मैं इनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इन बच्चों को कश्मीर के बारे में, कश्मीर स्टडी आपका हमारा जाहिर है सब्जेक्ट है, लेकिन इन बच्चों को आप पूरी जो है वो अवेयरनेस दें, इन नस्लों को जो, ताकि तहरीकी आज़ादी है कश्मीर जो है वो हमारी बिल्कुल वो जिंदा रहे, और इन बच्चियों को ये आप पे कर्ज है कि आप इन बच्चियों को अवेयरनेस दें। और इंशाल्लाह हम कश्मीरी आवाम के साथ भरपूर आज के दिन फिर इजारे यकजहती करते हैं, उनकी कुर्बानियाँ जो हैं वो एक न एक दिन ज़रूर रंग लेंगे। और आज के दिन हम दोबारा ही तजदीद करते हैं कि इंशाल्लाह कश्मीरियों को किसी भी फोरम पे रायशुमारी का हक जो है वो ज़रूर मिलेगा। और हम यूनाइटेड स्टेट से, कौम मुत्तहिदा से भी आज के दिन दोबारा हम ये हमारा ये मुतालबा है पेश करते हैं कि G20 की कोई भी समिट हो, कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन कश्मीरियों का आज़ादाना और मुनसफाना जो उनका एक रायशुमारी का जो हक है वो महफूज रहेगा। तो इसके साथ ही मैं मेज़बान अदारा की जो प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में हमारे साथ, हमारी इमीडिएट कॉल पे बहुत हमारे साथ कोऑपरेट किया, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं KPRI राजा सज्जाद साहब, उनकी पूरी टीम में उनकी शुक्रगुजार हूँ। जितने भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए हाल में, जितने भी मेहमान ग्रामी, सब हम मेज़बान ही हैं तशरीफ लाए। और मैं स्पेशली मीडिया के नुमाइंदगान, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इन सब की शुक्रगुजार हूँ कि ये भरपूर कवरेज देने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं। तो मैं इस आज के इस इवेंट का दोबारा से, मैं जितने भी लोग तशरीफ़ लाए और मैडम मेज़बान अदारा की मैडम अमरा साहिबा का शुक्रिया अदा करते हैं, और मैं अपनी फोकल पर्सन मैडम नाज़िश अकबर का बतौर खास शुक्रिया अदा करती हूँ, राजा सज्जाद साहब और मीडिया कोऑर्डिनेटर साहब, आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और मेरी रिक्वेस्ट है कि दुआ जो है वो आखिर पर हमेशा से दुआ होती है उन सलामती के लिए, तो आज भी राजा सज्जाद साहब से मुल्तमी सुन के दुआ फरमाई जाए।